मंडी एनएसयूआई जिला अध्यक्ष की कथित ताजपोशी पर बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं मौजूदा अध्यक्ष हमीद जम्वाल ने आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मंडी एनएसयूआई जिला अध्यक्ष की खबर बिल्कुल निराधार है। उन्होंने कहा कि जिसने भी यह खबर फैलाई है उसके खिलाफ एनएसयूआई आने वाले चुनावों में कड़ी कार्यवाही करेगी। उन्होंने कहा कि जब तक एनएसयूआई हाईकमान जिला अध्यक्ष के चुनाव नहीं हो जाते तब तक मैं इस पद पर बना रहूंगा। वही हमीद जम्वाल ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय संगठन के सचिव व प्रदेश प्रभारी अक्षय कुमार ने जारी प्रेस नोट में कहा है कि मंडी एनएसयूआई जिला अध्यक्ष की कमान वर्तमान में जिला अध्यक्ष हमीद जम्वाल के पास ही रहेगी। उन्होंने जारी बयान में कहा कि अभी तक संगठन में कोई भी नई नियुक्ति नहीं की गई है। हमारे यहाँ मंडी में कल एक प्रेस नोट जारी हुआ और उसमें एक हमारे संगठन के छात्र को अध्यक्ष बताया गया और इसकी ताजपोशी भी की गई हमारे यहाँ मंडी के कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के कारण, और साथ में और उनकी स्टेटमेंट, पदाधिकारियों की स्टेटमेंट ऐसी थी अखबार में कि उनको अखबार के माध्यम से पता चला तो उन्होंने उस किशोरी लाल जी को अपने आशीर्वाद दिया। और इसके साथ साथ जब मैंने अपने वह न्यूज़ हमारे प्रभारी जी के नाम से लगवाई गई थी और जब मैंने प्रभारी जी से संपर्क किया और हमारे प्रभारी जी से बात हुई तो प्रभारी जी ने कहा कि एनएसयू में इलेक्टेड सिस्टम है और इलेक्टेड सिस्टम के तहत ही जिला अध्यक्ष और स्टेट बॉडी और नेशनल बॉडी बनाई जाती है और इस नियुक्तियों को अगर निष्कासित भी करना हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी के तहत ही हमें रद्द किया जा सकता है और ना कि ऐसी। और प्रभारी जी ने कहा कि मेरी इस प्रकार की कोई भी न्यूज़ नहीं थी और उनकी फेक उनके नाम से फेक न्यूज़ लगवाई गई थी। और प्रभारी जी ने आज लेटर हेड पैड में अपने दे भी दिया है कि हमारे एनएसयू के इलेक्टेड जो जिला अध्यक्ष यानी कि मैं हमीद जम्वाल मैं ही रहूँगा और आगामी चुनाव जब तक नहीं होते संगठन के हमारे आगामी चुनाव नहीं होंगे तब तक मैं एनएसयू के जिला अध्यक्ष रहूँगा। फेक न्यूज़ पे अक्षय कुमार जी ने कहा कि मैं अभी वो राजस्थान चुनाव में हैं और उन्होंने कहा है कि हिमाचल में आके इसके लिए वो कार्रवाई भी कर सकते हैं और अगली बार उन्होंने एक नोटिस ये जारी किया है कि अगर वो उस शख्स के द्वारा फिर से ऐसी कोई ऐसी घटना की जाती है तो उसको 2 साल के लिए एनएसयूआई से बाहर भी किया जा सकता है। और एनएसयूआई हिमाचल प्रदेश में हमारे सभी एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने कहा है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।